हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको फिर से एक और नई डिजाइन का डोरमेट बताने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कलर लिए हुए हैं, ये देखिए। और मैंने यहाँ पे 9 नंबर सिलाई ली हुई है। तीनों कलर की वूल को मैंने फोल्ड किया हुआ है, फोल्ड वूल से मैं आपको बता रही हूँ। ये आप इसे 2 कलर से भी बना सकते हैं और 3 कलर से भी, और इसे आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। जिस तरह से आपको ठीक लगे आप उस तरह से इसको बनाएं। तो मैं आपको 3 कलर से बता रही हूँ, और आप इसे पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको 32 फंदों में बताएंगे। बेस कलर हमारा ये रहेगा, इसमें हमारा क्रीम और वाइट मिक्स है, तो बेस कलर मेरा ये रहेगा। फ्लावर मैं इन दोनों से बताऊंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये प्यारा सा हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए 32 फंदे हम यहाँ पे लेंगे, तो 30 फंदे हम इस कलर से डालेंगे और 2 फंदा हमने अपना जो भी कलर लगाना है दोनों में से उस कलर से डालेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल ही फंदे डालूँगी, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे अपना 30 फंदा ले लेती हूँ और 2 फंदे ब्लैक से डालेंगे। तो 32 फंदे डाल के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना 32 फंदा ले लिया है। आपको जितना बड़ा चाहिए आप अपने हिसाब से यहाँ पे फंदे लेके इसको बना सकती हैं। जैसे कि आप 40 फंदे डाल ली हैं तो 2 फंदे और आपने इस तरह से डाल लेने हैं। जैसे 30 फंदे मैंने ये डाले हैं और 2 फंदा ये डाल लिया है, तो यहाँ पे 32 हो चुके हैं। 42 फंदों में भी आप बना सकती हैं। तो देखिए, मैं आपको ये शुरुआत से ही बताऊंगी किस तरह से हमने बनाना है, तो आप प्लीज़ वीडियो अच्छे से पूरा देखें, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ये 2 फंदा अपना ब्लैक से बना लेते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे वूल को इस तरह से कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे ये देखिए, 1, 2, 3 तीन फंदा मैंने ले लिया है वाइट का। यहीं से अपना टर्न कर लेंगे, वापस हो गए हैं। और यहाँ पे हम 1, 2 फंदा बना लिए हैं। लास्ट में ये वाला फंदा हम नहीं बनाएंगे, और यहीं से फिर वापस वूल को घुमाते हुए यहीं से पलट लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे 1, 2 हो चुके हैं, इस फंदे को मैं नहीं बनाई हूँ, 2, 3 और यहाँ पे हम 4, 5, 6 फंदा बना ली हूँ। 2-3 फंदे मैं और आगे से ले ली हूँ अपना, और यहीं से हम अपना वापस हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 वाइट के हो चुके हैं, और 2 फंदा ये हम अपना इसी कलर से के देखिए बना लेंगे, 1 और लास्ट का फंदा हम सीधा बनाएंगे इस तरह से, ताकि यहाँ पे अच्छे से ये हमारा डिजाइन बन चुके। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये देखिए, यहाँ पे हमने अपना वाइट का 6 फंदा बना लिया है, अब 2 फंदे ब्लैक के हैं। अब इसके बाद ये देखिए, यहाँ पे हम इस साइड उल्टी साइड से हम इस फंदे को उतारेंगे और दूसरी साइड से हम इसको सीधा बुनेंगे, ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ चुके। तो यहाँ पे ये देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 2 फंदे मेरे थे ब्लैक के और 6 फंदा मैंने वाइट वाला ब्लैक से बना लिया है, और ये हम 2 फंदा अपना आगे से ले लेंगे वाइट से ही। तो वाइट कलर को आप साथ साथ में भी ले जा सकती हैं, ये देखिए 1, 2
तो दो फंदे मैंने जो बिगर बुने छोड़े हुए हैं उनमें से हमने दो फंदे ले लिए, यहीं से हम टर्न कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से सीधी सिलाई में कुछ नहीं करना है, जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बनाएंगे। लास्ट का फंदा ये देखिए इस तरह से सीधा बुन लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये देखिए यहाँ पे दो तीन चार पाँच छह फंदा हम बुन लेंगे अपना। आठ फंदे थे हमारे ब्लैक के और हम ब्लैक वाला दो फंदा अपना वाइट से बुनेंगे। ये देखिए यही ध्यान रखना है, बिल्कुल इजी है, एकदम से आसान तरीके से हम आपको बताएं। दो फंदे मैंने अपना वाइट से बना लिए हैं और दो फंदे वाइट के बने हुए हैं आगे के, इन्हें हम बना लेते हैं। और दो लास्ट के हम जो हमने नहीं बुने हैं उनमें से हम बना लेते हैं इस तरह से। दो वाइट के लेने के बाद फिर हम यहीं से अपना टर्न कर लेते हैं। ये देखिए सीधी सिलाई को जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बनाएंगे, इसमें हमने कुछ नहीं करना है, खाली उल्टी साइड से ही हमने डिजाइन को बनाना है। यहाँ पे हम जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बनाएंगे। तो आठ फंदे कर लिए थे, दो फंदा हम वाइट से ब्लैक वाले वाइट से बना लिए हैं। और इसके बाद ये देखिए अब यहाँ पे छह फंदा है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ये देखिए एक दो तीन चार फंदा हम बना लिए हैं। फिर से हम दो फंदे अपना ब्लैक वाले वाइट से बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ फंदे हो चुके हैं और दो फंदा हम इनमें से बना लेते हैं, आठ नौ और ये दस, और यहीं से टर्न कर लेते हैं। सीधी सिलाई को जो फंदा जैसा है उसी कलर से इनको बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से अब यहाँ पे हमारा एक और ये दो फंदा, अब यहाँ पे हम ये छह फंदे जो हमने वाइट के ब्लैक से बनाए थे वो मैंने वाइट से ही बना लिए हैं पूरा। तो यहाँ पे ये देखिए चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये ग्यारह और ये बारह और दो आगे से ले लेते हैं तेरह और ये चौदह, दो आगे से ले ली हूँ जो हमने नहीं बुने हैं ये देखिए, और यहीं से टर्न कर लेते हैं और सीधी सिलाई में जो फंदा हमारा जैसा है उसी कलर से हम इनको बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये एक पत्ती अपनी बना ली है। अब ये देखिए यहाँ पे हम दो फंदे इसी तरह रहेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे एक और ये दो तीन चार पाँच छ छ सात आठ आठ और ये देखिए धागे को साथ साथ हम ले जाते हैं नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह फंदे मैंने बना लिए हैं ब्लैक से और दो फंदे हमारे बने हुए हैं। ये देखिए एक दो और दो फंदे हम जो बिगर बुने छोड़े हैं उनमें से हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे वाइट के चार फंदे हो चुके हैं, सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम इनको बनाएंगे। तो बिल्कुल आसान है तरीका बनाने का और बनने के बाद ये काफ़ी सुंदर लगता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलिए सीधी सिलाई को बना लेती हूँ। ये चौदह फंदे
ब्लैक के ब्लैक से बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 14 फंदे ब्लैक के हैं और 4 फंदे मेरे वाइट के हैं। तो अब हम ब्लैक वाले वाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए किस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, 12 फंदे बना लिए हैं। अब 2 फंदा मैं अपना, ये देखिए, ब्लैक वाला वाइट से बना लेती हूँ। यहाँ पे ये देखिए 3 हो चुके हैं, 4, 5, 6 और 2 इनमें से कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से 2 फंदे आगे से ले लेते हैं और यहीं से अपना टर्न करते हैं सीधी सिलाई में। जो हमारा फंदा जैसा है उसी कलर से हम इनको बना लेंगे। तो चलिए सीधी सिलाई को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सीधी सिलाई बना ली है, अब हम हैं उल्टी सिलाई पे। अब ये देखिए यहाँ पे हम अपना 10 फंदा बनाएंगे ब्लैक का, 10 फंदा हम बना लिए हैं। अब फिर से 2 फंदे वाइट से बना लेंगे ब्लैक वाले। अब यहाँ पे ही देखिए वाइट के 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और ये 9, 10 और ये देखिए 2 फंदा आगे से ले लेते हैं इस तरह से। अब सीधी सिलाई में फिर से इसी तरह से बना लेते हैं जो फंदा जैसा है। आप इसे पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकते हैं और आप इसे रंग बिरंगे कलर लगा के जो भी आपके पास बच जाते हैं सभी को इसी में यूज करके आप बना सकते हैं। बेस कलर में भी आप कलर बदल सकते हैं पर हम आपको ये 3 कलर से ही बता रहे हैं। तो सीधी सिलाई यहाँ पे ये देखिए हो चुकी है। अब हम हमारे पास ब्लैक वाले 10 फंदे हैं तो अब हम 8 फंदे बनाएंगे। ये देखिए ब्लैक के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये देखिए यहाँ पे हम 2 फंदे फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं इसी में, वाइट बना लेते हैं ब्लैक वाले। ब्लैक वाले फंदे वाइट से बना रहे हैं। अब यहाँ पे 5 फंदे हो चुके हैं वाइट के, ये देखिए 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 13, 14 और ये देखिए 15, 16 2 आगे से ले लिए हैं, यहीं से टर्न कर लेते हैं सीधी सिलाई में। यहाँ पे ये देखिए 2 डिजाइन की पत्ती हमारी बन चुकी है, अब तीसरी बननी बाकी है अभी। तो यहीं पे हम सीधी सिलाई को बना लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 8 फंदे ब्लैक के हैं। अब आगे के फंदे, अब ये देखिए यहाँ पे हम 8 फंदों को तो ब्लैक से ही बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और आगे के हम 8, 9 वाइट वाले ब्लैक से ही बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे आप तीसरी पत्ती को बना रहे हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
किस 22 22 फंदे मैंने बना लिए हैं अपना टोटल ब्लैक से, और दो फंदा हम आगे का बुना हुआ है। और ये देखिए हम इसको यहाँ पे छोड़ दिए हैं, आप साथ साथ भी ले जा सकते हैं और बाद में भी आप इसमें यहाँ पे नोट लगा सकते हैं। तो देखिए मैं बताऊंगी आपको किस तरह से नोट लगानी है। तो दो फंदा ये बुन लेते हैं और दो फंदा हम आगे से बिगर बुना जो छोड़े हैं उनमें से ले लेते हैं। ये देखिए यहीं से अपना टर्न कर लेंगे, सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम इनको बना के कंप्लीट कर लेते हैं। चार फंदा वाइट से और 22 फंदा ब्लैक से। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम चार फंदा वाइट का है यहाँ पे बना हुआ, और यहाँ पे ये देखिए लास्ट में भी छह फंदा बिगर बुना छोड़ा हुआ है। अब ये देखिए, अब हम वाइट ब्लैक वाले अपना कम करेंगे, तो यहाँ पे हम 20 फंदा ही अपना ब्लैक के बनाएंगे। 20 फंदा मैं बुन लेती हूँ और दो फंदा अपना ब्लैक वाला वाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल चुके। तो देखिए 20 फंदा मैं बना ली हूँ, अब दो फंदा मैं यहाँ पे अपना ये वाइट में बना लूँगी इस तरह से, और चार फंदे आगे के ये बुन लेते हैं वाइट से ही। ये देखिए इस तरह से चार फंदे बुन लिए हैं, तो छह फंदा यहाँ पे टोटल हो चुका है वाइट वाला, और दो हम पीछे से ले लेते हैं बिगर बुना। ये देखिए इस तरह से यहीं से टर्न करेंगे, सीधी सिलाई में जो फंदा हमारा जैसा है उसी कलर से हम इनको बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपना, अब यहाँ पे हम 18 फंदे बुन लेंगे, 20 फंदा बुना था, अब यहाँ पे ब्लैक का 18 फंदा हम बुन लेते हैं। ये देखिए ब्लैक का 18 फंदा हम बुन रहे हैं और दो फंदा हम छोड़ दिए हैं, ये हम ब्लैक से बना लेंगे, सॉरी वाइट से। इस तरह से हमने इस डिजाइन को बनाना है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट डिजाइन चल रहा है, ये दो चार छः सात आठ नौ दस और ये 11 और ये देखिए 12, दो लास्ट के अभी भी छुटे हुए हैं, दो आगे से हम ले लिए हैं। सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से बना के कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम सीधी सिलाई को बना लिए हैं, अब यहाँ पे टोटल 18 फंदे हमारे ब्लैक के हैं। अब यहाँ पे ये देखिए हम 16 फंदे बुन लेंगे, 18 फंदे ब्लैक के हैं, अब यहाँ पे हम 16 ही फंदा अपना ब्लैक से बुनेंगे। ये देखिए 16 फंदे में बुन ली हूँ, ये देखिए इस तरह से। अब दो फंदा मैं अपना वाइट से बना लूंगी इस तरह से। तो यहाँ पे टोटल डिजाइन हमारा पूरा हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम दो फंदा अपना बना लिए हैं, अब ये देखिए पांच हो चुके हैं वाइट के, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो यहाँ पे पत्ती हमारी कंप्लीट है, अब 16 फंदे हमारे ये ब्लैक से हैं और 16 फंदे ही हमारे वाइट से हैं।
अब सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बना लेते हैं। ये देखिए सीधी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं, उल्टी सिलाई पे फिर से एक बार दिखाते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी डिजाइन पूरा बन चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए 16-16 फंदे हमारे दोनों कलर से हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिससे हमने अपना डिजाइन बनाया है उसी से हम पूरी सिलाई को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सभी फंदों को ब्लैक से बना के कंप्लीट करेंगे, सभी फंदों को एक सिलाई ब्लैक से बनाएंगे, फिर वापस अपना वाइट से ही बना लेंगे, फिर इसमें हम अपना तीसरा कलर को ऐड करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे, ये देखिए आगे के जो 16 फंदे वाइट के हैं वो भी मैं ब्लैक से ही बना लेती हूँ इस तरह से। तो डिजाइन मेरी बनके कंप्लीट है। तो चलिए यहाँ पे हम पूरी सिलाई को वाइट से बना लेते हैं, सीधी सिलाई को बनाएंगे, वापस अपना उल्टी सिलाई पे इस वाइट को लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरा अपना 16 फंदे हमारे ब्लैक से है और 16 फंदे ही हमारे और 16 फंदे वाइट के थे। उसके बाद मैंने पूरी सिलाई को ब्लैक से बनाया हुआ है, ये देखिए, और ब्लैक की बना के फिर से मैंने अपना वाइट लगा दिया है। तो यहाँ पे एक पत्ती हमारी बनके ये कंप्लीट है, ये देखिए काफी सुंदर लग रही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसमें मैं अपना तीसरा कलर ऐड करूंगी। तो देखिए किस तरह से, तो यहाँ पे तीसरा कलर हम ऐड कर देते हैं अपना, ये देखिए एक और ये दो, और आगे से अब हम फिर से यही करेंगे, तीन फंदा अपना वाइट से, एक दो तीन, जो हम शुरुआत किए हैं उसी तरह से। ये देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो फंदा अपना बना लेते हैं, एक को हम यहीं पे छोड़ देंगे वाइट को। इसके बाद हम फिर से शुरुआत मैंने इसी तरह से की है यहाँ से। अब ये देखिए यहाँ पे हम आगे के तीन हो चुके हैं, चार पांच छः ये देखिए छह फंदे बना लिए हैं और यहीं से टर्न कर लेंगे। अब इसी तरह से हम अपना आगे का डिजाइन बनाएंगे, सेम इसी तरीके से सभी पत्तियां आपने इसी तरह से बनानी है, पूरा डोरमेट आपने इसी तरह से ये कंप्लीट करना है। काफ़ी सुंदर लग रहा है और बनाने में तो बिल्कुल ही इजी है, तो हम इसको इसी तरह से कंप्लीट करेंगे और इसके बाद आपको फिर दिखाएंगे। पूरा डोरमेट इसी तरह से ये कंप्लीट होगा और 32 फंदे का भी ये काफ़ी बड़ा बन के कम्प्लीट होगा। अगर आप इससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप पुरानी चुन्नी साड़ी में बना रहे हैं तो आप 32 फंदे से ही इसकी शुरुआत करें। ये देखिए, तो चलिए हम बनाते हैं इसको। लास्ट का फंदा हम हमेशा सीधा बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से किनारी अच्छे से आ चुके हैं।